पहला दिन है माशाल्लाह, और रमज़ान का, और माशाल्लाह मौसम भी कितना प्यारा हो गया है। रात लेट नाइट तक मैं वेट करता रहा कहीं से चांद नज़र। रहमानुर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग गाइस। क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपके साथ इमरान वाघा, और आज के इस व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे जहाँ पर भी होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह छत के ऊपर चलते हैं, देखते हैं ईद का चांद नज़र आता है या नहीं। ममालक में इंशाल्लाह कल रोज़ा होगा, दुबई, सऊदी अरब वगैरह, और पाकिस्तान में तो फ़िलहाल चांद नज़र नहीं आया। तो इंशाल्लाह चलते हैं छत के ऊपर जाकर जो है ना चांद देखते हैं। और आपको और अगर आपने अभी तक हमारा जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, साथ में बेल आइकन का बटन उसको भी क्लिक कर दिया करें ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आती हैं पहले पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए करें। पर आया हूँ और लाइटें इस साइड की जो शेड की हैं ये ऑन नहीं की हुई थी, तो मेरा सोचा चलो ये लाइटें भी ऑन करके देखते हैं। माशाल्लाह काफ़ी रोशनी यहाँ से आ रही है, और यहाँ की जो इस साइड की लाइटें हैं ये भी देख लेते हैं। इस साइड की जो लाइटें हैं ये भी ऑन हो चुकी हैं, ये शायद इस साइड की जो है ना ऑफ है, ये भी देख लेते हैं इस साइड पर ऑन हुई हैं या नहीं। इस साइड की रोड वाली साइड की जो है ना ऑफ ही है, जो बाकी छत के ऊपर हैं वो ऑन हो चुकी हैं। थोड़ी कम करते हैं, मेरा दिल है ये बंद कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी कितना पानी निकला हुआ है टैंकी से बाहर, और इसका जो है ना अंदर से बलून जो है चेंज करने वाला हो चुका है, और काफ़ी पुराना हो गया क्योंकि वो अंदर से जो बलून का वो ढक्कन और जो पीछे लॉक है वो ख़राब हो चुका है, और जब ये बलून सही हो जाएगा तो फिर फिर पानी बाहर नहीं आया करेगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं ये जो पानी है काफ़ी ज़्यादा बाहर आया हुआ है, और जो है ना ये सोलर की प्लेटें हैं, प्लेटों के नीचे भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो चुका है। ठंड का टाइम हो चुका है और अजान हो रही है माशाल्लाह। इस साइड से भी जो है ना हमारा गांव रात के टाइम का जो मनाजर आ रहा है आपके साथ शेयर करते हैं, और माशाल्लाह देख सकते हैं इधर माशाल्लाह ये रात का मनाजर आ रहा है इस गांव का। ये हमारे गांव के साथ गांव है, वहां से जो है ना आवाज़ आ रही है अजान की। और मैं भी छत के ऊपर आया था देखने के लिए कि रमज़ान का चांद नज़र आता है या नहीं आया, पर नहीं आ रहा अभी तक, आप देख सकते हैं खुद। पहला दिन है माशाल्लाह और रमज़ान का, और माशाल्लाह मौसम भी कितना प्यारा हो गया है। रात लेट नाइट तक मैं वेट करता रहा कहीं से चांद नज़र आ जाए तो, पर रात को जो है ना चांद लेट ही नज़र आया, और माशाल्लाह आज पहला रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कल की एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें जलजले के थोड़े झटके की थोड़ी जो वीडियो बनाई हुई थी वो कल अपलोड नहीं की थी, तो आज के इस व्लॉग में वो भी आपको दिखाते हैं साथ में। और सब भाइयों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ पर भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। और आज का व्लॉग में आपको चल के जो है ना दिखाते हैं इंशाल्लाह। और माशाल्लाह बादल देख सकते हैं, हल्के हल्के बादल हैं, और माशाल्लाह ठंडी हवा चल रही है। अभी मैं छत के ऊपर ही हूँ, रात को मैं लेट नाइट रहकर छत के ऊपर बैठा रहा, मैं बोला शायद कुछ न्यूज़ मिलेगी कि यहाँ देखने को कुछ मिल जाएगा, पर लेट ही जाकर जो है ना पता चला कि कल जो है पहला रोज़ा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह देख सकते हैं पीछे फसलें भी जो है ना फुल ग्रीन से येलो हो चुकी हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह भी जो धूपें लगेंगी और इन धूपों में जो है ना फसल पक जाएगी। देख सकते हैं पीछे माशाल्लाह जो व्यू आ रहा है माशाल्लाह, ये हमारे घर के साथ में ये इन्होंने माशाल्लाह जो इतना प्यारा सा करके ग्रीन ग्रीन दरख्त लगाए हुए हैं, बहुत इनको सुबह सुबह उठ के आकर देखने का भी अपना ही मज़ा है माशाल्लाह। को जो है ना अपने घर के बाहर का जो मनाजर है वो आपको दिखाते हैं कि जलजले के बाद जब जलजला आया और बाहर का जो नाली का पानी था वो कैसे हिल रहा था।
अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। गाइस देख सकते हैं ये अभी जो जलजला आना शुरू हो चुका है, और आप देख सकते हैं जो नाली है नीचे घर के बाहर की और जो तार है किस तरह हिल रही है। अल्लाह ताला माफ़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी सलामत होंगे जहाँ पर भी होंगे। तो देख सकते हैं कितनी देर तक जो है ये तार जो है ना बाहर की, ये घर के बाहर का मनाजर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और जो घर के बाहर की नाली है इसमें जो पानी था कितनी ज़ोर से हिल रहा था। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और बहुत ज़्यादा जलजला था, ये 7.7 बोरे थे जो इसकी शिद्दत थी इस जलजले की, और अल्लाह माफ़ करे। मैं यहीं पर बैठा हुआ था तो मेरे साथ भाई था बैठा हुआ छोटा साइम, मैंने देखा एक मर्तबा के शायद उसने मुझे सोफ़े को जो है ना पाँव के साथ जो है ना उसने जो है ना ज़ोर लगाया ऐसे, जैसे अच्छी तरीके से, जैसे पता चला कि जैसे झटका लगा, पहले झटका लगा उसके बाद फिर दोबारा झटका लगा। तो अल्लाह ताला हम सब को और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान, मोहल्ले वाले जो लोग थे सब बाहर निकल गए हैं घरों से, और जो घरों में तकरीबन सब लोग खौफ से जाना काफ़ी देर तक जाना बाहर बैठे रहे थे।